उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि लुक एट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, I feel so beyond lucky to end my year here in India. बात करें तो बहुत सी ऐसी statements, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं। क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जुरत नहीं है। थैंक यू टू ऑल द वंडरफुल पीपल हियर हु हैव शोन अस सो मच लव, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड जेनरोसिटी। दिस एक्सपीरियंस हैज बीन डीपली मीनिंगफुल। आई फील लकी टू बी इन। हमारे पास जो गौरी मजाइल है, खालर टैंक है, बहुत सारे मजाइल है, तो जब वो ये सब कुछ करते हैं तो फिजा साहब उसके नतीजे में जनाब वहाँ पे आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट भी होता है, कोई नहीं पूछता वहाँ पर जो है, खुदा आपका भला कर उनकी फौज भी जाके जो है यूएन में खिदमत दे रही होती है। एक त्यारा पकड़ते हैं अभिनंदन को, वो बाइज्जत उसको वापस भेज देते हैं। और वो आई है और कहती है उसने इंडियन कल्चर की तारीफ करी है, प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है। इतनी बड़ी सेरेमनी होगी जिसमें हजारों लोगों को बुलाया गया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर। राम मंदिर कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है और कहते दिए जलाए जाए दीप वाली जिस तरह, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। दिवाली हम वैसे पाकिस्तान में कहते हैं लेकिन मुझे बहुत सारे इंडियन दोस्तों ने कहा कि दिवाली ना कहे दीप वाली कहे, तो कहते दीप वाला जो दीप वाली जो सेलिब्रेशन होती है कहते उस तरह का मनाए। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनैलिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त। एक बड़े फेजेस से गुजरा लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए शायद बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान मुंह उठा के किसको कहेगा कि तुसी की कर रहे हो? पोस्ट, आई फील सो बियॉन्ड लकी टू एंड माय ईयर हियर इन इंडिया। थैंक यू टू ऑल द वंडरफुल पीपल हियर हु हैव शोन अस सो मच लव, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड जेनरोसिटी। दिस एक्सपीरियंस हैज बीन डीपली मीनिंगफुल। आई फील लकी टू बी इन एंड विद इन द मैजिक with my family where we've had the time to explore, regroup, recharge and restart ready for the year ahead. What a joy. Ladies and gentlemen, this is Dua Lipa. Now go back into the past, you know, people from Bill Gates, Mark Zuckerberg, everybody has come to India to have that sort of spiritual, that sort of religious, that sort of cultural experience. They say the smells and the sounds of India, the colors of India, there is magic in India. Which is why everybody comes to India. Proud ka Modi jo hai India ko bahut aage leke ja raha hai. Makbooza Kashmir mein bhi usne aise aise kaam kiye hain jo hamari nazar mein negative hai lekin unke logon ke liye positive hai. Unka physically hi hai aur physical practical wo dikha bhi raha hai. Social media bhi dikha raha hai ki isme bahut si cheeze improvement ki taraf hai. Video ka fayda hoga, karobar aayega. Koi shak nahi lekin usko masavi huquq dene chahiye. Musalmanon ko bhi ab jo ek nayi wo Muslim koshish kar raha hai wo jab ikdamat aise kar raha hai ki Muslim मिनॉरिटी में आ जाएं कश्मीर में और बाकी जो है वो उसमें आ जाए, ये गलत बात है। हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए। अच्छा। किस वजह से मनाना चाहिए ये भी तो पता चले ना, क्या चीज़ है? हम है ही गुलामी में। अच्छा। हम है ही उस चीज़ में आज़ादी, किस चीज़ की हमारी, किस चीज़ की आज़ादी मनाना चाह रहे हैं? कश्मीर लाल चौक से वीडियो वायरल हो रही है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी जश्न मना रहे, सारी रात वहाँ पर न्यू ईयर की आतिशबाजी होती रही है, खुशियाँ मनाते रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको ये कश्मीर चाहिए जो कि आपसे कहीं ज़्यादा प्रोस्पेरिस है, कहीं ज़्यादा खुशहाल। जिस चीज़ से हमने आज़ादी न्यू ईयर मनानी थी मैडम, उसमें तो हम खुद मुबतला हैं। हमारे आप देख रहे हैं आपके सामने सारा कुछ जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। उनको देखो, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ही किसी को नहीं पता, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बच्चा बच्चा जानता है, खा वो पॉजिटिव जानता है या नेगेटिव जानता है, ये पता नहीं किस तरह का माहौल बना हुआ है हमारे मुल्क में। सही बात है, इतनी आवाम है, अगर मैं किसी से पूछ लूँ ना कि पाकिस्तान के लाहौर के सीएम का क्या नाम है, नहीं आता होगा, लेकिन मैं पूछूंगी ना आर्मी चीफ का क्या नाम है, वो बताएगा आपको डेफिनेट। और इंडिया के आप बता दें, इंडिया के मुझे भी नहीं आता। हम कहते हैं हमने जंगे लड़नी है, हमने उनको हराना है, हमारे पास जज्बा, हमारे पास एटम बॉम्ब है, क्या अब हम उनको टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया को मोदी जो एक फंडामेंटल किस्म का उनका लीडर है, वो किस जगह पे ले गया, उसके मिशन को कहाँ पे ले गया, आज उधर डॉलर देखने, हमारे इधर डॉलर, हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, वो चोर है, वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है, जबकि हमने दूसरों का क्या लड़ना है, जबकि हम आपस में लड़ लड़ के बुरा हाल हो गया। कश्मीर पे बात ये है असल में कि हमारी इस कौम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है जो आज फलस्तीन में हो रहा है और जो दूसरे शाम में हो रहा है, यमन में हो रहा है, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आप देख लें, यूदों सारा जो है वो एक है। अच्छा। एक ही टेबल पे, एक पेज पे है। अच्छा।
उनका एक बयानिया है, लेकिन इधर मुसलमान शहीद हो रहा है तो दूसरा मुसलमान अय्याशियां कर रहा है जैसे हमारे हुक्मरान है। इनको ये सोचना चाहिए कि हम एक उम्मत है, हमको कल इस चीज़ का हिसाब देना होगा कि हमने किसी दूसरे मुसलमान भाई की पुकार पे उसको हेल्प की है कि नहीं की। ये पाकिस्तानी मीडिया, बड़े बड़े मीडिया ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरह कश्मीर के अंदर अपना जो है इन्फ्लुएंस दिखाया, अब तो वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी क्लेम करने वाला है हमसे। बस इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ कौम को सोचना है, पूरी कौम को सोचना है और ख़ास करके नौजवानों को सोचना है। अच्छा। जो नशे की लत पर लग रहे हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे, इस्लाम का नहीं सोच रहे, कानून का नहीं सोच रहे, इन इन जो जो न्यू जनरेशन है इनको सोचना है। हमें बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म होता है और वीडियो ये दिखाती है कि वहाँ पर सब बड़े खुश हैं, तो ये सबके लिए सोचना है ना, सबने इसके लिए सोचना है कि भाई असल हकीकत क्या है। अच्छा। जब आप अय्याशियां करेंगे, हुक्मरान MNA MPA जो 20-25 स्क्वाड्स उनके आगे पीछे होते हैं, उनके अखराजात जो है वो हमारे पॉकेट से जा रहे हैं, ये उन लोगों को सोचना है कि असल हकीकत आवाम तक पहुंचाए, ताकि आवाम को पता लगे कि हमारे दूसरे मुल्कों में मुसलमान भाई उनके साथ असल में हो क्या रहा है। असल हकीकत बतानी है आवाम को कि भाई आपके मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कितने मुसलमान बहन भाई है जो खुश हैं, तो ये भी बताएं कि भाई वो खुश हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, हमें अब तरक्की करनी है, मतलब कुछ तो बताएं ना। हम तरक्की इस तरह से करेंगे जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे। अच्छा। हमारे लिए कानून अमीर आदमी के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। आपको क्या लगता है हम इकट्ठे नहीं है, हम एक बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 76 साल पहले जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त कौम थी, लेकिन अब उस वक्त एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, जैसे हमने 77 सालों में बार बार इंडिया के ऊपर हमले भी किए कि कश्मीर चाहिए, आज की अगर बात करें 2024 के अंदर हम कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो गोरी मिसाइल है, खालर टैंक है, बहुत सारे मिसाइल है। आए रोज़ आप देखते हैं अखबारों में जी हमने दफा के ऊपर $2 अरब लगा दिए, हमने दफा के ऊपर, वो दफा किस लिए भाई? आप ये सोचें किस चीज़ का डिफेंस है? आप कैसे कब डिफेंस करेंगे? आपका एक त्यारा पकड़ते हैं अभिनंदन को, वो बाइज्जत उसको वापस भेज देते हैं। वो तो उनकी पावर थी ना। हाँ, तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है कि 9 बजे से पहले पहले अभिनंदन को छोड़ दो वरना भारतीय फौजें आ रही हैं, और यकीन माने भी 9 भी नहीं बजे थे इन्होंने भेज दिया। तो ये लम्हा फिक्री है आपके लिए, मेरे लिए, उस पूरी कौम के लिए, आप सोचें क्या कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। पायलट को नहीं रख पाए अपने पास, इधर आप देखें,